विषय की ओर आते हुए आपको बताते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध को सभी नवग्रहों में राजकुमार माना जाता है। बुध ग्रह 6 नवंबर 2023 को यानी कि आज शाम 4:32 पर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और यही बुध 27 नवंबर तक यहीं रहने वाले हैं। तो भाई 27 नवंबर तक अपना उपाय जरूर करिएगा। उसके बाद यानी कि 27 नवंबर 2023 को सुबह 6:02 पर बुध धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो भाई ये जो समय रहने वाला है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसके राशि परिवर्तन का आपकी राशियों पर प्रभाव अवश्य होगा। क्या प्रभाव होगा, मेष से लेकर मीन राशि वाले नोट करें। मेष राशि के 8वें भाव में ये गोचर करेगा तो भाई खर्चा तो बढ़ेगा ही, विदेश यात्रा का योग भी बनेगा। उपाय के तौर पर मेष राशि वाले सुबह के समय भगवान गणपति के किसी भी स्तोत्र का पाठ करें, हर तरीके से सफलता मिलेगी। वृषभ राशि के 7वें भाव में बुध का गोचर व्यापार में साझेदारी के साथ ही कहीं ना कहीं परेशानियां भी बढ़ाएगा, क्योंकि अपने मित्र की राशि नहीं है। मंगल की राशि है, मंगल और बुध में कहीं ना कहीं मित्रता बिल्कुल नहीं है। सुबह गाय की आपको सेवा करनी है, हरी वस्तुओं का दान करना है। मिथुन राशि 6वें भाव में बुध का गोचर मानसिक तनाव के साथ ही रिश्तों में कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा करेगा। उपाय के तौर पर मिथुन राशि वाले कन्याओं के विवाह में कुछ भोजन सामग्री दान कर दें, कुछ पैसे देकर मदद कर दें और विशेष तौर पर अपने उत्तर दिशा को बिल्कुल साफ रखें। कर्क राशि से 5वें भाव में बुध का गोचर लेखन और अभिनय के क्षेत्र में सफलता के साथ ही पेट की कुछ समस्या करेगा, यानी कि आपको व्यवसाय के तौर पर आजीविका के तौर पर तो ये लाभ देगा लेकिन स्वास्थ्य के तौर पर नुकसान देगा। क्या है उपाय, सुबह के समय साबुत मूंग भिगो दीजिए या रात्रि में ही भिगो दीजिए, सुबह के समय पक्षियों को डालिए, बहुत लाभ होगा। सिंह राशि, राशि से 4वें भाव में बुध नौकरी में बदलाव के साथ ही माता से संबंधों में कहीं ना कहीं खराबी करा सकता है। उपाय के तौर पर भगवान सूर्य नारायण को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें, थोड़ी सी हरी दुर्वा भगवान गणपति को अर्पित कर दें। कन्या राशि, कन्या राशि वाले सभी लोग बहुत ध्यान से सुने भाई, आपकी राशि से 3रे भाव में बुध आपके भाग्य के साथ ही संबंधों को मजबूत करेगा। आपके लिए तो अद्भुत हो गया भाई, व्यापार नौकरी के लिए समय जबरदस्त ये साबित होने वाला है। तो कन्या राशि वाले निश्चिंत हो जाएं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पीले आसन पर बैठकर कर लीजिए, मंगल मूर्ति की विशेष कृपा होगी, भगवान नारायण के आशीर्वाद से आपके सर्व कार्य सिद्ध हो जाएंगे। बात करते हैं तुला राशि की। 2रे भाव में बुध रुके हुए धन की प्राप्ति कराएगा लेकिन वाणी से कार्य बिगाड़ेगा भी, तो अपनी वाणी पर आपको संयम रखना होगा। मां दुर्गा को हलवे का भोग लगाइए, छोटी कन्याओं को बांट दीजिए, छोटा सा उपाय है, जरूर करिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि में बुध का गोचर अचानक बुद्धि चातुर्य से आपको लाभ कराएगा और विदेशी कार्यों को लेकर कहीं ना कहीं जो आपके संबंध थे वो पहले से मधुर होंगे। भाई विष्णु भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करिए, मिश्री का भोग लगाइए और छोटे बच्चों को माखन मिश्री जरूर खिलाइए, ये उपाय आप जरूर करिएगा। धनु राशि के 12वें भाव में जीवन साथी से संबंधों में खराबी हो सकती है, नौकरी में बदलाव भी होगा। उपाय रहेगा भगवान विष्णु के विष्णु पुराण का आपको पाठ करना है और बुधवार के दिन रसीले फल छोटे छोटे बच्चों में या जरूरतमंद लोगों में बांट दीजिए। मकर राशि के 11वें भाव में बुध का गोचर, सूझबूझ से आपका कार्य बनेगा क्योंकि कहीं ना कहीं 11वें भाव में बैठकर बुध पंचम से संबंध बनाएगा, बुद्धि आपकी कुशाग्र हो सकती है, कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि आपका कार्य बनाएगी और नौकरी व्यापार में भी आपकी तरक्की होगी। उपाय क्या करना है, दुर्गा सप्तशती का किसी भी कुशाके या लाल आसन पर बैठकर आपको पाठ जरूर करना है। कुंभ राशि के 10वें भाव में बुध लेखन गायन और अभिनय के क्षेत्र में कला के क्षेत्र में आपको भरपूर लाभ देगा लेकिन त्वचा के रोग परेशान करेंगे क्योंकि भाई बुध जो है वो वृश्चिक राशि में, वृश्चिक राशि मंगल प्रधान राशि जलीय राशि है तो त्वचा के रोग इस समय लोगों को परेशान कर सकते हैं। छोटे बच्चों को लेखन सामग्री का दान करें, घर की उत्तर दिशा में थोड़ा सा जल भर कर रखें। मीन राशि अंतिम राशि, मीन राशि के 9वें भाव में बुध साझेदारी और व्यापारिक डील को पक्का करा सकता है लेकिन सेहत का ध्यान रखना होगा। क्या करना है उपाय, भगवान कृष्ण को पीले चंदन का तिलक करिए और एक बांसुरी भेंट कर दीजिए,
ये छोटा सा उपाय आपको संपूर्ण शुभता दे सकता है।